चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद पीएम मोदी की लड़खड़ाई जबान, तो विपक्षी दलों ने भारतीय जनता पार्टी को ऐसा ट्रोल किया कि गोदी मीडिया और बीजेपी आईटी सेल सदमे में आ गया। चंद्रयान मिशन पर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति को जानकारी देते हुए जब पीएम मोदी की जबान फिसली तो विपक्षी दलों सहित कई लोगों ने सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने लिखा, साउथ पार्ट ऑफ चाइना में चंद्रयान उतरा है, ऐसा कहते हुए श्री नरेंद्र मोदी जी को सुना जा सकता है, जबकि वैज्ञानिक कह रहे हैं कि साउथ पार्ट ऑफ मून पर चंद्रयान उतरा है। सच क्या है, भाजपा वालों, मोदी जी या वैज्ञानिक? महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अतुल पाटिल ने लिखा, चंद्रयान कहां उतरा, मोदी साउथ पार्ट ऑफ चाइना। राजस्थान कांग्रेस के प्रवक्ता शुभदेश सिंह चौहान ने लिखा, पढ़े लिखे को वोट ना देने के साइड इफेक्ट, साउथ पार्ट ऑफ चाइना में चंद्रयान उतरा है, ऐसा कहते हुए श्री नरेंद्र मोदी जी को सुना जा सकता है, जबकि वैज्ञानिक कह रहे हैं साउथ पार्ट ऑफ मून पर चंद्रयान उतरा है। सच क्या है, भाजपा वालों, मोदी जी या वैज्ञानिक? हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के नेता विकास बंसल लिखते हैं, मोदी जी का चाइना प्रेम अब चांद भी चाइना दिखने लगा। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति क्राइल रामाफोसा मोदी को चंद्रयान 3 की बधाइयां देते हुए बोले, आपने इतिहास रच दिया। मोदी का जवाब, चाइना के साउथ भाग में ऐसा पहली बार हुआ है। यही बात अगर राहुल गांधी जी ने बोला होता तो बीजेपी आईटी सेल अभी तक उनको देशद्रोही बहुत साबित कर देता, या ये भी हो सकता है कि मोदी जी को उनकी इंग्लिश समझ ना आई हो। आपको बता दें, विपक्षी नेता पीएम मोदी को इस बात के लिए भी ट्रोल कर रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका के अखबार में छपा कि इंडिया के मोदी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है, और इस हेडलाइन को दिखाते हुए पीएम मोदी फोटो खिंचा रहे हैं। आप पीएम मोदी की जुबान फिसलने और खुद की तारीफ वाली खबर के साथ फोटो सेशन करने को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि देश दुनिया से जुड़ी तमाम वायरल खबरें हम आप तक पहुँचाते रहें।